तो वीडियो एडिटिंग, इसका नाम सुन के ही काफ़ी लोग डर जाते हैं, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। मैं आज इस वीडियो में अपना प्रोसेस बयान करूंगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं और मेरा इसके बारे में क्या राय है। तो आइए जानते हैं। तो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग स्लैश पोस्ट प्रोडक्शन, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप इसमें जितना जो है एफर्ट लगाते हैं उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें। तो मेरा ये कंपैरिजन होता है कि मैं हमेशा एडिटिंग को कुकिंग से कंपेयर करता हूँ। आप जितना अच्छा उसको पकाएंगे उतना अच्छा आपको जो है खाना सर्व होगा। तो इसमें जो है कुछ फैक्टर्स आपके डिपेंडेंट होते हैं आपकी एडिटिंग में। तो इसमें नंबर वन जो है आपकी क्रिएटिविटी होती है, कि आप किस तरह अपना वीडियो जो है एडिट करते हैं, क्या आपका क्रिएटिव स्टाइल है, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, आप किस तरह उसको एडिट कर रहे हैं, क्या आपका स्टाइल है। नंबर टू जो चीज़ होती है आपका आइडिया होता है, उसके पीछे आपकी जो पूरी पोस्ट प्रोडक्शन है उसके पीछे एक क्या कॉन्सेप्ट है, आपने किस तरह उसको पेश किया है, उसके पीछे क्या एक आइडिया है, जनरल आइडिया है। तो नंबर थ्री होता है आपका एडिटिंग स्टाइल, और आप किस तरह उसको एडिट कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें आपने उसमें डाली हैं, क्या चीज़ें उसमें नहीं डाली, ट्रांजिशन, मोशन इफेक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें जो है ये सारी उसमें काउंट होती हैं। तो एडिटिंग के लिहाज से आपको मार्केट में सॉफ्टवेयर्स बेतहाशा मिल जाएंगे। आजकल आपको काउंटलेस सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिस पे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, पर प्रोफेशनल जो हैं आजकल मार्केट में जो दो हाईलाइटेड चल रहे हैं वो है प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व वीडियो एडिटिंग के लिए। तो बिलीव मी, आई एम एडोब प्रीमियर प्रो यूज़र, मैंने इसको 5 साल यूज़ किया है और मेरा एक्सपीरियंस जो है कोई इतना बकदरे अच्छा नहीं रहा है एडोब प्रीमियर प्रो में। इसमें जो है इसका इंटरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेरी हार्ड टू गेट, आप इसमें काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझने में ही कुछ टाइम लग जाता है। उसके बाद जब आप सीखते हैं तो फिर उसमें जो है काफ़ी सॉफ्टवेयर लैग्स, बग्स, इंटरफेस इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और उसमें आपको जो है आपकी डिवाइस पे भी फिर ये डिपेंडेंट होता है। अगर आपको न्यू फीचर्स चाहिए हैं इसमें तो फिर आपकी डिवाइस जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए, उसमें लेटेस्ट जो है सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज होनी चाहिए, फिर ही वो काम करता है, वरना उसमें आपको लैग देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इसके कंपेरिजन में अगर आप डाविंची रिजॉल्व देखें तो उसमें आपको बकदरे काफ़ी सिंपल और सादा सा इंटरफेस मिलता है जिसको आप इजीली समझ जाते हैं। आई हैव बीन यूजिंग इट लाइक फॉर लाइक 2 or 3 months नाउ। तो अभी आई एम ऑलरेडी एट इंटरमीडिएट लेवल, तो मुझे ज़्यादा सीखने में इसमें टाइम नहीं लगा। इट्स अ वेरी इजी सॉफ्टवेयर टू यूज़, और इसमें जो है आपको स्टार्टर लेवल में ही जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर में ही मिल जाती हैं, जो कि वीडियो नर्ड्स होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी वो चीज़ें ये रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे। तो आपको उसमें काफ़ी बिल्ट इन चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको प्रीमियर प्रो में एज़ कम्पेयर टू नहीं मिलती। पर एज़ कम्पेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स, अगर आपका काम जो है ज़्यादा एडवांस काम है जिसमें आपका काम काफ़ी ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स का है, VFX का है, एनिमेशन का है, तो उसके लिए फिर आपको जो है आफ्टर इफेक्ट्स ही यूज़ करना पड़ता है, देयर इज़ नो अदर चॉइस। तो अगर आपका एडिटिंग जो है सिर्फ वीडियोस तक का ही है, सिंपल एडिटिंग है, तो उसके लिए जो है कलर ग्रेडिंग है, वीडियो एडिटिंग है, तो उसके लिए आपको जो है डाविंची रिजॉल्व बेहतरीन रहेगा, अगर आप मेरा मशवरा माने तो। अगर आप बिगेनिंग फेज़ में हैं या लर्निंग फेज़ में हैं तो आप डाविंची रिजॉल्व ही सीखें, प्रीमियर प्रो को आप करीब भी मत जाइएगा उसके, मैं यही कहूँगा। और तो या ये है मेरा एक्सपीरियंस वीडियो एडिटिंग में, और ये था मेरा ओपिनियन एज अ क्रिएटर ऑन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आई होप के यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैं म्यूज़िक कहाँ से लेता हूं और म्यूज़िक जो है उसमें चूज़ करने में मेरी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, और मैं किस तरह उसको चूज़ करता हूं, किस जॉनरा में मैं म्यूज़िक जो है उसको कैटेगराइज करके उसमें से सेलेक्ट करता हूं। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, फिर तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, एंड बाय आउट।